अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये जो है सेमेस्टर का, क्योंकि एंड होता है, इसमें बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, साथ में नया सेमेस्टर शुरू होना आता है, और जो साल का एंड होता है इसमें सारे प्रोजेक्ट्स की एंडिंग होती है, तो इसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसकी वजह से जो है यहाँ पर वीडियोज़ बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो आज अभी जा रहा था गाड़ी लेने के लिए, अपनी गाड़ी मैकेनिक को दी हुई थी ईयरली, उसका ऑयल चेंज वगैरह होता है इसके लिए। तो ये तकरीबन कोई 15 मिनट की वॉक है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर देते हैं मौसम कैसा है और यहाँ चेक रिपब्लिक में हो क्या रहा है। ये पीछे इधर यूनिवर्सिटी है, यहाँ से चलता हुआ आ रहा हूँ। ये बड़ा कॉमन सा रूट है, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डॉर्मेटरीज है इस तरफ, तो वो भी इसी रूट से जाते हैं। तो मौसम शानदार चल रहा है, क्योंकि ये जनवरी का ऑलमोस्ट मिडल एंड है और टेम्परेचर कोई -3 के करीब है, बर्फ़ पड़ रही है, स्कीइंग के लिए बेस्ट सीज़न है। तो अभी नेक्स्ट वीक जो है वो स्कूल वाले जो है, यहाँ पर हर किसी को मस्ट होता है यहाँ पर स्कूल में स्कीइंग पे जाना और स्कीइंग सीखना, एज अ नेशनल स्पोर्ट समझा जाता है, तो वो किंडरगार्टन से ही शुरू कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीक जो है वो बेटे को स्कीइंग पे ले जाएंगे, वो तकरीबन हफ्ते का होता है, उसमें अंदर आप स्कीइंग सिखाते भी हैं और लेकर भी जाते हैं वापसी भी, और आप आपके पास अगर अपने कपड़े वगैरह तो अपने ही होते हैं, लेकिन अगर आपके पास हेलमेट वगैरह नहीं है, स्कीइंग की चीज़ें नहीं है, तो आप रेंट कर सकते हैं। तो टोटल मिला के तकरीबन कोई 4-4.5 हज़ार करोने होते हैं 1 वीक का, वो जो है अब लेके जाएंगे उसको। और यहाँ पे बच्चे के इस मामले में काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, तो वो स्कीइंग सीख ही लेते हैं इस एज में। तो यहाँ पर भी जा रहा हूँ, नीचे की तरफ आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा स्लिपरी है यहाँ पर अभी, और ये वाला थोड़ा सा पोश एरिया है लिब्रस का, जिसके अंदर लोगों के सिंगल सिंगल घर है। अमूमन जो बड़े घर हैं उनको डिवाइड करके एक ज़माने में गवर्नमेंट ने 4-5 डिफरेंट फैमिलीज़ को दे दिया था, लेकिन ये अभी तक वो हैं जो सिंगल सिंगल ही रहे। तो थोड़ा सा पोश एरिया है यहाँ का। तो यहाँ से नीचे की तरफ तकरीबन कोई 10 मिनट की वॉक रहती है। तो आजकल वीज़े का सिस्टम ये चल रहा है कि जो स्टूडेंट के लिए थे यहाँ पर पिछले दिनों, बांग्लादेश और पाकिस्तानी यहाँ से स्किप बहुत ज़्यादा हुए, यानी यहाँ पर आए पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बंगाली थे, और यहाँ से आके वो पुर्तगाल या कहीं और चले गए, यानी कि स्टूडेंट वीज़े को उन्होंने यूज़ किया। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया यूनिवर्सिटीज़ के लिए कि अगर आपके स्टूडेंट अगले सेमेस्टर में रजिस्टर नहीं होते और स्किप होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी स्टूडेंट रिजीम से निकाल देंगे। इसका मतलब है कि अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी आपको जो है कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट यूनिवर्सिटी को नहीं मिलता, यानी आप ऐसे नहीं कह सकते कि भाई मेरे स्टूडेंट को जल्दी आप वीज़ा दें, क्योंकि एक कोटा जो है वो डिफाइंड होता है। तो उसमें अब यूनिवर्सिटीज़ जो है काफ़ी केयरफुल हैं, एडमिशन बहुत मुश्किल से देती हैं, और उसके अलावा जो वीज़े के लिए जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली है उनके लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का उन्होंने रूल्स रखे हुए। कोई PhD के लिए आ रहा तो फिर भी शायद हो, बैचलर के लिए तो आप बिल्कुल ना ही समझें। बाकी जो लेबर के लिए आते हैं उसमें इंडिया के लिए अब थोड़ा सा बेनिफिट है, उनका कोटा बढ़ा दिया है, फिलिपाइंस का कोटा बढ़ा दिया है, और इसी तरह कुछ और कंट्रीज हैं जिनका कोटा बढ़ा है, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसमें जो है वो सेम ही है। जिसके अंदर जो लेबर है उनके लिए तो कोई परमिट्स नहीं है, लेकिन जो हाईली स्किल्ड हैं या ब्लू वीज़े पे आ रहे हैं उनके लिए अभी भी पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। तो हाई स्किल वो होते हैं जिनकी तनख्वाह 2.3 टाइम ज़्यादा हो गवर्नमेंट की एवरेज जो सैलरी है उससे। तो यहाँ पर एवरेज सैलरी आजकल जो काउंट होती है वो तकरीबन है कोई 800 यूरो के करीब। तो लेट्स से कि अगर आपकी कोई 3000 यूरो के करीब सैलरी है तो आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उसमें आपको वीज़ा थोड़ी आसानी से मिलता है, ख़ासतौर पर IT फील्ड हो गए या डॉक्टर हो गए, इस तरह के जो फील्ड्स हैं इनमें। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर वगैरह हैं इनके भी जो वीज़ाज हैं वो लगते आसानी से। तो यहाँ पर जो है आजकल पिछले साल के मिड से यहाँ पर भी अब जो है चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं। पहले पिछले 10 सालों में 7 सालों में अगर मैं देखूँ तो अगर आपके पास एक सैलरी भी है तो आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। इवन के जिनकी मीडियोकर सैलरीज भी हैं यूनिवर्सिटीज़ की, तो और ये जो IT फील्ड है इनकी सैलरीज वैसी ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो मीडियोकर सैलरी थी वो भी सिंगल सैलरी में पूरा घर चला रहे थे। लेकिन अब पिछले कोई 8-9 महीने से अब ऐसे है कि जिसके पास 2 सैलरीज नहीं है, यानी कि हस्बैंड वाइफ जॉब नहीं कर रहे या फिर जो उसकी एकोमोडेशन है वो उसकी अपनी नहीं है, उनके लिए जो अब यहाँ पे क्राइसिस हुआ है, यानी इनके पास भी अब पैसे नहीं है,
गुजारा करने के। तो यानी काफ़ी स्ट्रिक्ट कंडीशन है, आपको हालात बताता हूँ इस तरह है कि यहाँ पर जो मिनिमम भी जो रेंट चलता है किसी भी छोटे से फ्लैट का वो 10,000 करोने है, प्लस आपने यूटिलिटीज पे करनी है 5,000 करोने। ये तो बेसिक बेसिक आपने पे किया, फिर जो अदर बिल हैं को टैक्सेस हैं, रबिश का बिल है, टैक्स है, और उसके अलावा अगर आपने कोई बस है या गाड़ी आपने किसी चीज़ को भी पे करते हैं, तो जो मिनिमम भी अगर आप लगाएं बहुत अगर बचा के भी गुजारा करें तो 20,000 करोने आपने पे करना है। ज़्यादातर जो यहाँ पे लोग हैं जो क्लरिकल जॉब्स हैं जिनकी, या जो ये लेबर काम करते हैं किसी वर्कर हैं, तो उनकी तनख्वाह होती है 20 से 22,000 करोने, यानी उसके अंदर अब वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं। यानी कि इतने हालात उनके टाइट हैं कि आपको किसी रेस्टोरेंट में अब लोग नज़र नहीं आएंगे, बहुत कम लोग होते हैं। इसी तरह जो फ्राइडे पे बहुत रश हुआ करता था वो ख़त्म हो गए, बड़े बड़े यहाँ पर पब्स थे, बार थे और क्लब्स थे, पिछले एक साल के अंदर वो बंद हो गए। यानी कि जो पिछले 100-100 सालों से चल रहे थे वो बंद हो गए, जिसमें से एक जो है ये मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ, इसका नाम है ज़ांज़ीबार, यानी कि ये शहर का मशहूर क्लब रहा। यहाँ पर लोग शाम को गैदरिंग करते थे, फैमिली के साथ ड्रिंक करते थे, क्लब भी था इसका, रेस्टोरेंट भी था। ये पूरा का पूरा बंद हो गया, पिछले कुछ 6 महीने हो गए इसका बंद पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी जो है जो इंटरनेशनली आते हैं वो पहले आते थे कि भाई हमारी अगर 2000 नेट सैलरी तो गुजारा हो जाएगा, वो भी यहाँ पर जो है अब तकरीबन 3,000-3,500 मिनिमम पे है कि भाई अगर नेट 3,000-4,000 मिले तो ही गुजारा होगा, क्योंकि रेंट्स वगैरह महंगे हो गए हैं। अगर आपका बच्चा इंटरनेशनल स्कूल जाता है तो वो बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो यहाँ पर भी चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, और जॉब अभी भी यहाँ पर काफ़ी हैं लेकिन कम पैसों वाली जॉब है। यानी कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं जिसकी इनकम जो है या सैलरी जो है अगर 15,000 या 18,000 या 20,000 करोने हैं वो अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कहें कि मुझे जॉब चाहिए 45,000 या 50,000, वो यहाँ पर अब बहुत कम है। और वो कोशिश भी यही करते हैं कि जो उनके अपने लोकल हैं उन्हीं को दें। इवन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जो फॉरेनर्स हैं उनके साथ बहुत अब लिमिटेड हुए हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे हैं, जैसे अगर मैं अपना लूँ तो वो जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस हैं या जहाँ पर एकेडमिक जी में फील्ड में हैं उनके पास जो है ठीक है पॉसिबिलिटी, उनकी ख़ास कोई स्पेशलिटी होती है हर किसी की जिसकी वजह से उसे रखा हुआ होता है। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं खाली रिसर्चर आ रहा हूँ, मैं एज अ टेक्नीशियन आ रहा हूँ, तो उसके लिए अब यहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। इवन यहाँ पर जो पाकिस्तानी इंडियन थे जिनको पहले बहुत अरसे से PhD कर रहे थे यहाँ पर रिसर्चर की जॉब कर रहे थे, उनको भी इस साल एक्सटेंशन नहीं मिली है, और जिनको मैं जानता हूँ 4-5 इस साल वो भी यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। तो जो बांग्लादेश वगैरह के हैं वो यहाँ से बड़े बदनाम हो चुके हैं इस मामले में कि इन्होंने वीज़े को यूज़ किया, यहाँ से पुर्तगाल चले गए, और खाली इस साल जो है स्टूडेंट तकरीबन 15 के करीब स्टूडेंट है जो इस यूनिवर्सिटी से खाली चले गए, बाकी तो पूरे कंट्री से पता नहीं कितने गए होंगे। तो वो थोड़े से ब्लैक लिस्ट में आए हुए, और पाकिस्तानी इंडियन जो है वो कम गए हैं, लेकिन ये है कि इतनी अच्छी बुक्स में नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप आते हैं और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो अब वो वाले हालात नहीं है कि आप बड़ी आसानी से आ जाएं यहाँ पर, आप जो है ना अपने बच्चों को किसी इंटरनेशनल स्कूल में डाल दें। क्योंकि अगर सिंगल सैलरी भी अगर आप लेते हैं, लेट्स से कि आप IT फील्ड में और आपकी सैलरी यहाँ पर अच्छी सैलरी काउंट होती है 100,000 क्राउन, तकरीबन 4,000 यूरो बनती है, यानी अगर आपके पास ये भी है तो आपके पास कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लाइफ नहीं है। यानी कि आप एक घर रेंट लेते हैं, बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल भेजते हैं और कुछ छोटी मोटी एक्टिविटी करते हैं, कार अपने पास रखते हैं, तो आप जो है बिल्कुल बस हैंड टू माउथ आ जाते हैं कि आपके पास जो है आप खर्च कर रहे हैं। और अगर कुछ बच भी गया है तो आपने साल में एक दफ़ा टिकट भरनी है, तो यहाँ से अब वो बहुत महंगी हो गई है। तो बहुत सारे लोग यहाँ से अभी मूव कर गए फैमिली के साथ, और यहाँ पर जो है जिस तरह के पहले हालात है उस तरह के नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे जो वर्कर्स होते हैं उनको होता है कि हम यहाँ पर किस तरह यूरोप में आ जाएं। तो अभी भी अगर आपका कोई वीज़ा लगता है तो इट्स नॉट अ बैड प्लेस, लेकिन अगर आपको कोई ये धोखा दे के लाता है कि यहाँ अगर आपके पास बहुत सारे पैसे होंगे आपको यहाँ पर PR मिल जाएगी, नेशनैलिटी मिल जाएगी, तो उसको भूल जाएं। जो PR है वो 5 साल के वर्क के बाद मिलती है, जिसमें आपने लैंग्वेज एग्ज़ाम पास करना है। लैंग्वेज एग्ज़ाम की जो अगर आप अपॉइंटमेंट ही देखेंगे, भाई मैंने लैंग्वेज एग्ज़ाम के लिए जाना है, तो 6-6 महीने उसकी डेट ही कोई नहीं है। यानी 5 साल रहने के बाद आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे, तो भी आपके पास 6-8 महीने आपको सिर्फ खाली इस एग्ज़ाम के लिए जाना है। अगर एक दो फेल हो गए फिर दोबारा आप ले सकते हैं, लेकिन आसानी से ही आपको 10 साल लग जाएंगे PR में। नेशनैलिटी का ऑलमोस्ट भूल जाए, उसके अंदर बहुत लंबा प्रोसेस है। एक तो लैंग्वेज है, उसके अलावा बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स हैं
जिसमें आपने सोशल इंश्योरेंस है और बाकी चीज़ों से आपने प्रूफ करना होता है, फिर बाद में आपका इंटरव्यू भी है, आपने बताना होता है कि भैया आपको इस कंट्री को आपकी क्या ज़रूरत है। तो अगर इस धोखे में आ रहे हैं कि मैं यहाँ के PR ले लूँगा, नेशनलिटी ले लूँगा, तो उसमें ना रहें। दूसरा ये है कि लैंग्वेज यहाँ पर इशू है, तो आप इस एज में अगर सीख सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपके जो बच्चे हैं वो इंटरनेशनल स्कूल के अंदर जाते हैं तो एक बच्चे की फ़ीस जो है तकरीबन 20,000 करोने हैं पर मंथ, 20,000 करोने हैं। तो अंदाज़ा लगा लें कि आप उसमें तो डाल नहीं सकेंगे अगर आप लेबर वीज़े पे आ रहे हैं, आपने चेक स्कूल में डालना है। तो यहाँ पर 3 साल लगेगा उन्हें लैंग्वेज सीखने में, उसके बाद भी जो है वो स्ट्रगल करेंगे क्योंकि इतने साल में उन्होंने एजुकेशन भी लेनी है और बाद में आगे दूसरी क्लास में भी जाना होता है, एक ही क्लास में तो नहीं रहेंगे। तो आपको चारों तरफ से बस मैंने कहा जा रहा हूँ रास्ते में आपको दिखा दूँ कि कैसा यहाँ पे हालात है, कैसा वेदर है। तो क्वेश्चन हो तो लिखिएगा, टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।